पोजीशंस ले ली, बढ़िया पैसे बना लिए। हमने इस पर सेशन भी किया था, बातें बाजार की पर ऑलरेडी डला हुआ भी है। खैर कोई बात नहीं साहब, उसके साथ साथ इनकी बातों को और वैलिडेट कर दिया एग्जिट पोल्स ने। एग्जिट पोल्स ने तो बकायदा ये बता ही दिया कि जिस तरह से गृहमंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बोले हैं वो एकदम सही है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बयान को जब एग्जिट पोल्स ने और वैलिडेट कर दिया तो 3 तारीख को जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस दिन रात को हमने एक सेशन किया जिसमें यह जानकारी दी कि भैया देखो, अब आप लोग एग्जिट पोल पर अगर दाव खेल गए हैं तो यह आपकी रिस्क हो सकती है। हो सकता है कि कल जब रियल में परिणाम आए, क्योंकि एग्जिट पोल कल्पना है, प्रेडिक्शन है, असल में अगर एग्जिट पोल ही सही होता तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत ही क्या होती, फिर तो एग्जिट पोल करा के ही पता कर लेते ना कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जनता ने एग्जिट पोल पर यकीन किया और एग्जिट पोल के आधार पर और पैसे लगा दिए कि ठीक है साहब देख लो, मोदी जी ने कहा, एग्जिट पोल ने वैलिडेट कर दिया, अब हम पैसे और लगा रहे हैं। लोगों ने पैसे लगा दिए, आसमान छू गया। 4 तारीख के दिन चुनाव परिणाम आए तो वो उतने अनुकूल नहीं थे जितने अनुकूल सोचे गए थे। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। और पता नहीं शेयर मार्केट को कांग्रेस से क्या डर लगता है, जब इनकी सरकारें आई हैं मार्केट धड़ाम से गिरा है। ये बात जब पता चलने लगी इन्वेस्टर्स को, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही हो, इन्वेस्टर्स ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो 4 तारीख के दिन शेयर मार्केट धार से नीचे आ गया। तो राहुल गांधी जी कहने लगे कि साहब ये जानबूझकर जनता के साथ बेवकूफ बनाया गया। बोले क्या, एग्जिट पोल के माध्यम से मार्केट को आसमान में ले जाया गया है और मार्केट को आसमान में ले जाकर फिर धड़ाम से नीचे गिरा करके जिनको पैसे बनाने थे वो बना लिए। यानी एग्जिट पोल अपने आप में जनता से पैसे लूटने का एक स्कैम था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी कहानी का विस्तार पूर्वक शब्द से शब्द विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं आपसे एक लाइन और ऐड कर दूं, और वो ये है कि जब राहुल गांधी जी ब्लेम लगा ही रहे थे कि शेयर मार्केट के साथ जानबूझकर स्कैम किया गया है, आज की ताजा खबर यह है कि एग्जिट पोल वाले दिन मार्केट जहां छुआ था आज उससे भी ऊपर निकल गया। यानी कि एग्जिट पोल वाले दिन जहां छू करके 4 तारीख को नीचे आया था उससे भी ऊपर का आंकड़ा निकल गया। यानी कि बात तो यह है जनाब कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जो बातें हैं वो गलत तो नहीं निकली, क्योंकि आज मार्केट ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो 4 तारीख के दिन मार्केट ने नीचाई देखी थी आज वो फिर से सारी स्थितियां तोड़कर ऑल टाइम हाई नंबर टच कर गया। तो जनाब क्या आज का जो नंबर है उसे लेकर के पीछे वाली बात पर हंसा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात जुड़ी है विचारों से, ये बात जुड़ी है प्रेडिक्शन से। खैर जब बातें जुड़ी हो विचार और प्रेडिक्शन से, आपके मन में भी एक हल्की सी मुस्कान आ रही होगी कि साहब गजब ही हुआ, नेताजी के बयान आए, बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हुई कांग्रेस पर। अब हो सकता है मोदी जी मन में प्रसन्न हो रहे हो कि मैं तो पहले कहा था कि मार्केट चढ़ेगा, चढ़ गया लो। अब साहब आप किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देख रहे हैं तो हंसते हुए सामान्यतया व्यक्ति के दांत दिखाई दे ही जाते हैं। कहते हैं दांत दिखा के क्यों हंस रहा है, और हंसने में मानिए ना मानिए दांतों का बड़ा योगदान है। दांत अगर आपके टेढ़े मेढ़े हो तो दिक्कत हंसने में भी होती है, और को सीधा करने के लिए आपके द्वारा ब्रेसेस भी लगाए जाते हैं कि यार दांतों को सीधा कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। इन्हीं समस्या को दूर करते हुए, ताकि आप जब हंसे तो आपके दांतों के अंदर ब्रेसेस ना दिखें, इनका समाधान लेकर आया है टूथसी। साथियों टूथसी से मैंने अपना माउथ स्कैन करवाया, दांतों का स्कैन करवाया। जो दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं जिनमें कैविटी बनी हुई है उनकी जांच करवाने के लिए मैंने अपने घर पर डॉक्टर बुलवाया। टूथसी की तरफ से घर पर यह फ्री स्कैन करा गया। उस स्कैन के द्वारा मेरे चेहरे का, मेरे मुंह के अंदर के दांतों का प्रॉपर नाप लिया गया, इनविजिबल तरीके से एक ऐसे सेटअप को तैयार करने का जो मेरे दांतों को आने वाले 6 महीने में बिल्कुल अलाइन कर देगा जैसे ब्रेसेस करते हैं। डॉक्टर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेसेस जैसे विराट कोहली और अनुष्का अपने विज्ञापन में बताते आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार के ही ब्रेसेस मेरे लिए प्रॉपर तरीके से बनाए गए जो कि दांतों को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर सकें। मैंने जब ऑर्डर किया, पूरा स्कैन हुआ, ऑर्डर के बाद मेरे भी ब्रेसेस बिल्कुल ऐसे ही बनकर आ गए जैसे मैंने अभी विराट कोहली और अनुष्का के देखे थे। ये ब्रेसेस जो मैंने यहां पर लगाए हैं ये इनविजिबल से हैं, असल में ये कसने कसे हुए धागे नहीं हैं, ये इस तरह के हैं कि अगर मैंने लगा रखा है तो आपको दिख भी नहीं रहा है कि मैंने अपने दांतों में कुछ इस प्रकार का इनविजिबल दांतों को सही करने का सामान लगाया हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का डब्बा टूथसी के द्वारा प्रॉपर तरीके से जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे घर पर भेजा गया। इसके अंदर प्रॉपर एक बॉक्स, और उस प्रॉपर बॉक्स के अंदर इस प्रकार से एक इनविजिबल तरीके से दांतों में लगाए जाने वाले जो दांतों को सही करने के लिए आवश्यक यंत्र हैं ये भेजे गए। इसके लिए प्रॉपर मुंह का स्कैन किया गया, दांतों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए ये चीज हमारे घर पर भेजी गई, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चीज मैंने अभी हाल आपको दिखाई इनविजिबल अनाइनर्स की, ये दांतों को आने वाले 6 से 8 महीने में बिल्कुल तरीके से स्माइल को बेहतरीन बनाने में योगदान देगी। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से इनविजिबल अनाइनर्स को लेना तो आप टूथसी का ऐप कमेंट बॉक्स में से और डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, और तो और अपने मुंह का फ्री स्कैन बुक कर सकते हैं। फ्री स्कैन बुक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपका इनविजिबल अनाइनर बन आपके घर पर निर्धारित समय में पहुंचा दिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन अपने आप में डेंटिस्ट के द्वारा किया जा रहा है, आप भी जाकर अपने लिए ये बुकिंग कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट शहर का लोकेशन उसमें पूछ लिया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बात है जहां तक शेयर मार्केट की, तो मेरे प्यारे साथियों शेयर मार्केट की कहानी में शुरुआत होती है चुनाव प्रचारों से। चुनाव प्रचार, आप सभी को मालूम है कि भारत के अंदर 7 फेजेस के अंदर इलेक्शंस चले। 7 फेजेस में जब इलेक्शंस चले तो शुरुआती फेज में जिस प्रकार का मोमेंटम अपोजिशन ने गेन किया उससे जनता के मन में एक अविश्वास की स्थिति पैदा होने लगी कि मोदी जी जितना तेजी से विज्ञापन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उतना दिख नहीं रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स हाल ही में ताजा निवेशक बनकर निकले हैं शेयर मार्केट के अंदर। सोशल मीडिया पर जो मोमेंटम है उसका परिणाम तो आपने अंत में देख ही लिया कि कांग्रेस का सोशल मीडिया पर इस बार रीच बीजेपी से ज्यादा था, और यहां पर यह बात फाइनली कांग्रेस ने बताई भी है बाद में कि हमने बीजेपी से कई गुना ज्यादा व्यू किए हैं, लगभग
3 times ज्यादा YouTube पर कांग्रेस के व्यू हैं, 3 times ज्यादा लगभग इनके ट्विटर पर रीच है, इंस्टा पर रीच है। तो जो इन्वेस्टर बीजेपी के 10 साल के कालखंड में बने, क्योंकि जब पहली बार 2014 में बीजेपी सरकार आई थी उस समय लगभग 25,000 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स चल रहा था, और जिस समय 10 साल पूरे हो गए 3 गुना मार्केट बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में इस दौर में जितने भी निवेशक जुड़े उन्हें लगा कि अगर ये सरकार हट गई, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा है और वर्तमान में अगर ये सरकार हट गई तो हो सकता है सरकार ने जिन कंपनियों पर खास ध्यान दिया, चाहे फिर वो बैंक वाली कंपनियां हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हों, चाहे फिर वो डिफेंस की कंपनियां हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों, उनसे उनका पैसा हो सकता है डूब जाए। ऐसा सोचकर मार्केट ने सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना शुरू कर दिया, मार्केट गिरना शुरू हुआ। इधर बीजेपी अपने प्रचार तंत्र में बहुत अच्छे से बिजी थी, लेकिन उन्हें जब पता लगने लगा कि सोशल मीडिया पर प्रचार के चलते इन्वेस्टर्स डर में है कि कहीं ऐसा तो नहीं